गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी तैयार होकर निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए। एक बार तो सुबह उठ गया था 6:15 बजे के आसपास, लेकिन फिर लेटा रहा 10-15 मिनट के लिए, फिर दोबारा से नींद आ गई तो सो गया था। फिर दोबारा आँख खुली 8 बजे के आसपास, वो भी एक दोस्त का फ़ोन आ गया था इसलिए, वरना तो क्या पता और कितनी लेट आँख खुलती। फिर अभी फटाफट से तैयार होकर निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए। और आज दोबारा से गर्मी हो गई है, कल तो अच्छा मौसम था लेकिन आज देखो दोबारा से धूप आ गई है और मतलब थोड़ी गर्मी हो रही है आज। और ये यहाँ हमारे ओनर की गाड़ी खड़ी हो जाती है कई बार। यहाँ पे सिर्फ इतनी ही जगह बसती है कि मुश्किल से मेरी गाड़ी निकलती है। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए या थोड़ी सी बड़ी गाड़ी हो तो वो तो निकल ही नहीं पाएगी। आप शायद को देख ही रहे होंगे, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो पहुँच गया था ड्यूटी सेंटर पर तो, लेकिन रास्ते में ही क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा थोड़ा ना पेन शुरू हो गया यहाँ पे और पीछे की तरफ। परसों शाम को क्या हुआ कि परसों शाम को मेरे को थोड़ा सा लंबर पेन हो रहा था बैक में, तो मेरे को लगा कि वैसे ही हो गया होगा, पहले 4-5 साल पहले मेरे को हो जाता था, तो अभी कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, मेरे को लगा ऐसे ही हो गया होगा। फिर मैंने टेबलेट भी ली लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर रात को मैं सो गया, मैं क्या सुबह तक ठीक हो जाएगा। फिर सुबह उठा तो मेरे को लोअर एब्डोमेन में भी पेन हो रहा था और यूरिन भी थोड़ा सा खुल के नहीं आ रहा था, तो मेरे को पता लग गया था कि ये तो स्टोन का पेन है, क्योंकि मैंने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, पहले भी एक बार पेन हुआ था तो उसमें फिर किडनी स्टोन आए थे दोनों साइड। काफ़ी कुछ दवाइयाँ खा ली हैं वैसे, आयुर्वेदिक टेबलेट भी लेके देखी और वैसे पानी वानी भी, जो मतलब काफ़ी चीज़ें करके देखी, लेकिन अभी निकले तो हैं नहीं। बाद में भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो अभी यूँ के यूँ पड़े हैं, हालाँकि छोटे छोटे हैं लेकिन दोनों साइड हैं, दोनों साइड पड़े हैं। तो फिर क्या हुआ कि कल सुबह मेरे को राइट साइड में पेन शुरू हो गया, पेट में और पीछे की तरफ। तो फिर मैंने कुछ दवाइयाँ ली तो मेरे को आराम हो गया शाम तक। फिर शाम को मैं ठीक था, अभी सुबह भी ठीक था, तो फिर मैंने पेन किलर नहीं खाई। वैसे तो दवाई ली हैं आज सुबह भी, लेकिन जैसे ही फिर दवाई ली ना, तो अभी रास्ते में ही जैसे मैं आ रहा था गाड़ी से, तो फिर मेरे को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो गया। यूरिन अभी भी खुल के नहीं आ रहा था, तो मेरे को वैसे तो पता था कि स्टोन अभी या तो निकला नहीं है या निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो अभी देखते हैं, अगर ज़्यादा ही हुआ तो फिर टेबलेट लेंगे। कल भी ली थी वैसे सुबह, पता नहीं वो उसके असर से ही ठीक था या वैसे ही ठीक हो गया था, मुझे लगा चलो ठीक हो ही गया होगा। तो अभी देखते हैं, दवाई की ज़रूरत पड़ेगी या वैसे ही ठीक हो जाएगा। और ये वो जगह है जो पिछली वीडियो में आपने एक्सीडेंट देखा था ना, ये वही जगह है। यहाँ से फिर वो निकाल के ले गई उसको, गाड़ी को। ये देखो इधर की तरफ पूरी ये दीवार भी तोड़ दी, इधर से ये भी टूट गया, 2-3 यहाँ से बिजली के खंभे थे वो भी टूट गए, उधर भी देखो ट्रांसफार्मर नया गाड़ी में रख के लगाया हुआ है ऐसे ही, नहीं तो क्योंकि उसकी तारें टूट गई थी ऊपर से। इधर से भी दीवार देखो कितनी टूटी हुई है। और वो सफाई करने के लिए आई हुई थी, वहाँ पे ना एक पेड़ पड़ा था पहले, तो वो काटने के लिए लेके आई थी ये। देखो इसके हाथ में वो औजार भी है काटने के लिए, लेकिन फिर उसको कोई पहले ही काट के ले गया, तो फिर मैं कह रहा था कि इसको ले जाओ ये कटा पड़ा है, तो फिर ये अब कह रही थी कि ना ये पीपल है, पीपल को नहीं लेके जाते, पीपल को नहीं काटते ऐसे। अब देखो ये थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये तारे ऐसे लगा के मतलब जुगाड़ किया हुआ है ये ताकि लाइट आ जाए, नहीं तो फिर वही है कई दिन का काम हो जाता है। और खंभे भी देखो ये टूटे पड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे, और 2-3 खंभे दूसरी साइड भी टूटे हुए हैं। फिर बिजली वालों को बुलाया था उन्होंने, गाड़ी वालों ने, तो बिजली वाले ने उनको 55,000 रुपये का खर्चा बताया, जो ये खंभे टूटे हुए हैं ना, तारे टूटी हुई हैं, इनका खर्चा उन्होंने 55,000 रुपये बताया उनको। और काफ़ी बड़ी गाड़ी थी वैसे, उसमें 800 बोरी सीमेंट की भरी हुई थी, तो सोचो कितना भारी होगा, मतलब कितना नुकसान किया होगा। इसीलिए आपने देखी ना कितनी दीवार भी तोड़ रखी है। तो अभी जा रहा हूँ घर वापस, ड्यूटी सेंटर से अभी निकला ही हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे घर तक पहुँचने में, 14-15 किलोमीटर के आसपास है। और लेकिन जाते हुए खाना भी लेके जाऊंगा, लंच करूंगा जाके, क्योंकि सुबह सिर्फ चाय बिस्किट ही लेके आया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया है। और जो थोड़ा सा दर्द हो रहा था सुबह वो अब बिल्कुल ठीक है, किसी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, हल्का फुल्का ही था वैसे सुबह तो, लेकिन अब काफ़ी मतलब ये मान लो कि 2-3 घंटे के आसपास से बिल्कुल ठीक है, बाकी देखेंगे शाम तक, होपफुली अब दोबारा तो नहीं होना चाहिए। और दोपहर को आके लंच करके फिर मैं सो गया था, अभी उठा हूँ करीबन 1.25 घंटे बाद, और
अभी बना रहा हूँ चाय। चाय पियेंगे अभी, फिर देखते हैं, थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे, ऐसे ही टाइम पास करेंगे। और क्या करें, बर्तन पड़े हैं, फिर बर्तन धोएंगे, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, चाय भी खुद ही बनानी पड़ रही है। वैसे चाय तो बना लेता हूँ मैं, ठीक बना लेता हूँ। अभी जा रहा हूँ त्रावड़ी। धूप देखो कितनी तेज है, शाम के 4:30 बज चुके हैं। सुबह को हल्की हल्की धूप थी, मैंने आपको दिखाई भी थी, दिन में उतनी ही थी, धूप तेज नहीं हुई, मतलब मौसम ठीक था। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 घंटे से धूप हो रही है बहुत तेज, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। और धूप की वजह से सामने देखो कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, विजिबिलिटी काफी कम हो रही है। आपको भी शायद कैमरे में थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही रहा होगा, नहीं तो इतनी तेज़ धूप में तो विजिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अभी देखो कितनी कम लग रही है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है ना, उससे फिर रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ये मास्क रखा है नीचे, देखो ये भी कैसे दिख रहा है रिफ्लेक्शन में, जैसे ऊपर ही रखा है, दो मास्क रखे हैं ऐसे लग रहा है। और ये अभी पहुँचने वाले हैं त्रावड़ी, ये बोर्ड भी आ गया है, शायद आपको दिख रहा हो। और ये है कट, जहाँ से अपने को लेफ्ट साइड में लेके त्रावड़ी के लिए जाना है। अगर सीधा आपको जाना है कुरुक्षेत्र चंडीगढ़, तो सीधा आप ऊपर से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको शहर में जाना है तो आपको फिर नीचे से आना पड़ेगा। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके हम चले जाएंगे त्रावड़ी शहर की तरफ। और ये जो आपको राइट साइड में दिख रही हैं, वैसे आगे लेफ्ट साइड में ये बहुत सारी राइस मिल्स हैं, सेलर बोलते हैं वैसे इनको यहाँ, तो मैंने भी यहीं आके सुना था पहली बार सेलर का मतलब क्या है। नहीं तो मैं तो यही समझता था कि सेलर का मतलब तो बेचने वाले को बोलते होंगे। इधर की तरफ ये देखो, ये भी पूरी राइस मिल्स हैं, काफ़ी बड़ी राइस मिल है ये तो। और ये सामने जो फ्लाईओवर है, एक ही फ्लाईओवर है वैसे यहाँ पे, ये देखो ये इधर की साइड में भी, और आगे लेफ्ट साइड में भी आपको दिखेंगी वो भी सारी राइस मिल्स हैं। त्रावड़ी का चावल वैसे काफ़ी फेमस है, बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, एशिया में तो शायद मोस्टली होता ही होता है, और बाकी कंट्रीज़ में भी होता है। 11-21 ब्रांड है यहाँ की एक बासमती की, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वैसे तो हैं तो कई सारी, लेकिन 11-21 नाम से है एक, वो काफ़ी फेमस है, अच्छे चावल हैं वैसे वो, अभी हम भी यूज़ कर ही रहे हैं। और अभी आया हूँ करनाल बस स्टैंड पे, एक दोस्त आए हुए थे उनको छोड़ने के लिए आया हूँ, खाना वाना खाया था, तो अभी उनको रोहतक निकलना था, तो अभी उनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे आया हूँ। यहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लगता रहे। गुड नाइट, बाय बाय।